आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। दुनिया के 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका नेतृत्व करें और वैश्विक मोर्चे पर उनकी आवाज बने। इस मुद्दे पर बात करते हुए पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर सना अमजद ने पाकिस्तानी आवाम से सवाल किया। इस पर जवाब देते हुए पाकिस्तानी आवाम ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि वो जो अपने देश के लिए कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर ने भी भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि भारत जिस तरह से रूस, यूरोप और अमेरिका के साथ डील कर रहा है और अफ्रीका यूनियन को G20 में शामिल करना चाहता है वो काबिले तारीफ है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कोविड के समय गरीब देशों की मदद की। जब भी किसी देश पर मुसीबत आती है तो मोदी सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नरेंद्र मोदी समझदार हैं। पाकिस्तान के लोगों से जब पूछा गया कि नरेंद्र मोदी को 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष चाहते हैं कि वो उनका नेतृत्व करें, तो इस पर जवाब देते हुए पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दुनिया में एक नाम बनाया है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ आबादी वाले देश को वो जिस तरीके से लीड कर रहे हैं इससे पता चलता है कि वो समझदार हैं। वहीं हमारे देश की सरकार को किसी भी तरीके से इंटरनेशनल मान्यता कोई नहीं देता है। भारत की तुलना में हमारे मुल्क में कानून व्यवस्था सही नहीं है। दुनिया के लोग भी मोदी की इज्जत करते हैं। पाकिस्तानी शख्स ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीय लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। भारत के लोग मोदी की इज्जत करते हैं। इसके अलावा दुनिया के बाकी देश के लोग भी मोदी जी की इज्जत करते हैं। वो दुनिया को रिटर्न दे रहे हैं। उनका एजुकेशन में फोकस काफी ज्यादा है।